ये तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी का स्वभाव है कि हमारे बहुजनों के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं, हमारी पीड़ा को समझा और हमें हमारे इस आंदोलन को नई दिशा और दशा देने के लिए आ गए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि मंत्री जी 50% सीटें अनारक्षित होती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जाता है। पिछला वर्ग के आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि हमारे 5,844 भाइयों को जिनका कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा था उनको आपको सामान की सीटें देनी थी, लेकिन उन्होंने आपने उनको उनके कोटे में समायोजित करके हमारी 12,000 सीटें सीधे सीधे छीन ली। ये इनको बता देना चाहता हूँ कि अब पिछड़ा समाज जाग गया है साथियों, और अगर ऐसा रहा तो 2022 के चुनाव में तुम्हारी औकात याद दिलाने का काम करेंगे हम लोग। फैज़ अहमद फैज़ का एक शेर है, दिल नाउम्मीद तो नहीं नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। 69,000 शिक्षक भर्ती में 27% OBC कोटे को लागू करा जाए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भारी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनका हौसला बढ़ाने के लिए आए हैं। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती अभ्यर्थियों की, तब तक हम इस आंदोलन का साथ नहीं छोड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि ये आंदोलन कहाँ तक अपनी पहुँच जाहिर करता है, क्योंकि 71 दिनों से लगातार ये आंदोलन चल रहा है और इसका क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि अभ्यर्थियों ने हर वो मुमकिन कोशिश करी है कि इनकी बात मुख्यमंत्री तक पहुँचे। यहाँ पे कई मौसम भी बदले, बारिश भी हुई और धूप भी काफ़ी तेज़ थी, जिसमें कई अभ्यर्थियों की तबीयत भी ख़राब हुई। कई ऐसे मौके भी आए जहाँ पे अभ्यर्थी BJP कार्यालय के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास का भी घेराव करते देखेगा, जिसमें एक इनकी महिला अभ्यर्थी साथी थी जिनका हाथ भी टूटा। ये काफ़ी वाकये हुए 71 दिनों में। अब इस आंदोलन में चंद्रशेखर आज़ाद जो हैं शामिल हुए हैं, अब देखना है ये आंदोलन कहाँ तक जाता है और जो अभ्यर्थी हैं उनका कितना हौसला इससे बढ़ेगा। और यहाँ पर जो अभ्यर्थी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद के आने से क्या इस आंदोलन में ताकत आई है, उससे क्या फ़र्क पड़ा इनके अंदर। देखिए, यहाँ आने से हम लोगों का हौसला बहुत बढ़ा है। हम लोग आज 71 दिन हो गए, 69,000 भर्ती पीड़ित अभ्यर्थी हैं और हम लोगों का कोई सहयोग नहीं कर रहा था। भैया के आने से हम लोगों का बहुत मनोबल बढ़ा है। ये गूंगी बहरी सरकार, हम लोग इसके सब जगह जाकर बस केवल आश्वासन मिलता, झूठा आश्वासन, और ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं देता। मंत्री जी कहते हैं कि मैं इनको 31,000 सीटें दे दिया 69,000 भर्ती में, जबकि अगर हम लोगों में योग्यता है तो हम लोग 77,000 सीटों तक फाइट कर सकते हैं। वो कहाँ से ये आंकड़ा लाते हैं? हम लोगों को मंत्री जी 67.11 के नीचे आरक्षित वर्ग की सूची दिखा दे, हम लोग धरना समाप्त कर देंगे। मंत्री जी से हमारी यही गुहार है कि वो 67.11 के नीचे जितने भी आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों का सिलेक्शन किया है वो सूची दे दें, हम भी चले जाएंगे, चंद्रशेखर भैया भी चले जाएंगे, धरना समाप्त हो जाएगा, लेकिन हमको सूची सार्वजनिक कर दें। और जो ये मीडिया में आके कहते हैं कि मैंने इतना किया, वो खुले मंच पे आके मीडिया के सामने आएँ और हम लोगों से डिबेट करें कि हमने इतना पद दिया है तो ये धरना क्यों है। सच तो सामने आना ही चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सच बिल्कुल आना चाहिए। आएँ खुले मंच पर, हम लोगों से डिबेट करें, तब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये मीडिया के सामने आ करके ये कहने से कि मैंने 31,000 पद दे दिया, 18,000 के सापेक्ष 21,000 पद दे दिया, ये कहने वाली बात सिर्फ केवल गुमराह करते हैं और कुछ नहीं है। क्या फ़र्क पड़ा है यहाँ पे जो चंद्रशेखर आज़ाद आपके आंदोलन में शामिल हुए उससे? यहाँ पे भैया के आने से बहुत कुछ फ़र्क पड़ा है। इनके आने से हमें ऐसा लग रहा है कि हमारी मांगे अब जल्द ही पूरी हो जाएंगी, लेकिन इसमें जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी है उसमें साफ साफ दिखाया गया है कि 3.86% ही हम लोग को आरक्षण दिया गया है, जबकि पूरे 27% मिलने चाहिए थे। जो OBC की सीटें मिलनी चाहिए थी 18,498, उसमें से मात्र 2600 कुछ सीटें ही दी गई हैं, जो पूरे 27% की 3.86% है, जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट में पूरी तरह से दर्शाया है। चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पे मौजूद हैं, तो इनके आंदोलन में उनके आने से कितना फ़र्क पड़ा है? देखिए, ये सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई है, हक और अधिकार को मांगने की, छीनने की लड़ाई है। हमारे हक और अधिकार को ये जुल्मी और बेरहम सरकार ने जब जब छीना है, वो आज भी हमारे आरक्षण को 27% और 21% को छीना है। अगर हम एकजुट होकर लड़ेंगे नहीं, मैं सभी संगठनों से कहता हूँ, ये तो हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर जी का स्वभाव है कि
कि हमारे बहुजनों के लिए मरने मिटने के लिए भी तैयार रहते हैं, हमारी पीड़ा को समझा और हमें हमारे इस आंदोलन को नई दिशा और दशा देने के लिए आ गए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ भीम आर्मी के चीफ बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद का कि उन्होंने आकर एक मशाल जला दी और ये कभी बुझने वाली नहीं है। साथियों, भैया जी, जो हमारा जो आरक्षण है SC ST OBC का, जैसे कि 69,000 वैकेंसी में जैसे कि हम लोग को जैसे कि मात दिया गया कि मतलब जो हम पूरा फुल आरक्षण वहाँ पे मिल नहीं पाया और जैसे कि हमारे हक और अधिकार को छीना जा रहा है यहाँ पे। जैसे कि कोई भी वैकेंसी आती है मतलब उसमें जैसे होता है कि उसमें OBC वालों को SC ST वालों को मतलब आरक्षण के तहत भी मतलब उनको सीट नहीं मिल पाई। जैसे हमारे घर में हुआ भैया, मेरे PCS क्वालिफाइड हुआ, उसमें उनको जैसे कि आरक्षण तो मतलब मिला भी नहीं। उसके बाद जैसे होता है इंटरव्यू में मतलब जैसे कि होता है कि SC वाले कब से मतलब PCS या IAS बनने लगे, तो जैसे होता है भैया को हमारे साथ शोषण हो रहा है, मतलब चाहे हमारे जात को लेके हो, चाहे हमारे समाज को लेके हो, चाहे हम मतलब हमारे अधिकार को लेके हो। तो मतलब उसमें जैसे कि हम इस आंदोलन से बताना चाहते हैं कि हम एकजुट हो रहे हैं, एक मजबूत हो रहे हैं, हम अपने लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे, इस लड़ाई को आगे बढ़ा के अपना अधिकार को हम लेंगे। हम लोग का मुद्दा ये है कि हम लोग यहाँ पे 71 दिनों से बैठे हुए हैं। हमारा सिर्फ इतना कहना है कि जो 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उसमें आरक्षण का घोटाला हुआ, और ये हम नहीं कह रहे हैं, एक संवैधानिक संस्था जिसे खुद मोदी सरकार ने संवैधानिक दर्जा दिया, जिसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नाम से जाना जाता है, आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि पिछड़ों को 27% की जगह 3.86% का आरक्षण दिया गया है और दलितों को उनके 21% की जगह 16% का आरक्षण दिया गया है। मोटा मोटा मैं आपको बता दूं कि लगभग 15,000 OBC की सीटें प्लस 3100 सीटें SC की, 18,000 के आसपास सीटों का घोटाला हुआ है। इसको लेकर हमारा प्रोटेस्ट पिछले 71 दिनों से चल रहा है। हमने सभी नेताओं, मंत्रियों, मुख्यमंत्री सबसे मिलने का प्रयास किया। सबसे पहले हम माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आवास पर गए, वहाँ पर उन्होंने बर्बरतापूर्वक लाठियाँ चार्ज की, हमारी बहनों को चोटें आई, हमारी बहनों का हाथ टूट गया, हमारे भाइयों के पीठ पर चोट आई, बहुत ही बर्बरतापूर्वक उन्हें मारते हुए ले आके इको गार्डन में छोड़ दिया गया। उसके बाद हम माननीय शिक्षा मंत्री के घर का घेराव करते हैं। शिक्षा मंत्री कहते हैं कि हमने 32,000 सीटें OBC की दे दी, जबकि आपका कोटा 18,895 है। जब हमारा कोटा 8,895 है तो आपने 32,000 सीटें कैसे दे दी? क्या आप संविधान से बढ़कर हैं? तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मंत्री जी, 50% सीटें अनारक्षित होती हैं जिसमें व्यक्ति अपनी योग्यता के आधार पर जाता है। पिछड़ा वर्ग की आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि हमारे 5,844 भाइयों को, जिनका कट ऑफ जो है जनरल से ज़्यादा था, उनको आपको समान की सीटें देनी थी, लेकिन उन्होंने आपने उनको उनके कोटे में समायोजित करके हमारी 12,000 सीटें सीधे सीधे छीन ली। हम लोग हर दरवाजे पर जा चुके हैं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गए, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि ने बोला कि आपके मुद्दे का निस्तारण जल्द से जल्द किया जाएगा, आप हमारे अपर मुख्य सचिव से मिलिए। हम अपर मुख्य सचिव के पास गए, अपर मुख्य सचिव ने बोला कि मामला हमारे संज्ञान में है, हम 7 दिन के अंदर मुद्दे का निस्तारण करेंगे। 7 दिन के बाद हमने 40 दिन तक इंतजार किया। कितने दिन धरना देने के बाद ये अपर मुख्य सचिव ने आपसे आपको टाइम दिया और क्या बातें हुई? जब हमने भाजपा कार्यालय का घेराव किया मुख्यमंत्री जी, कितने दिन हो गए थे उस वक्त आंदोलन को? आंदोलन को उसमें 30 से 35 दिन हो चुके थे। उसके बाद हम उनके पास गए तो उन्होंने स्वतः संज्ञान लेते हुए हमें बुलाया। इसके उन्होंने बकायदा अपने ट्विटर हैंडल से लिखा कि 7 दिन के अंदर मुद्दे का निस्तारण कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद भी 35 से 40 दिन अभी तक हो चुके हैं, लेकिन उसके बाद ना तो किसी अधिकारी ने हमें बुलाया, ना हमारे किसी प्रतिनिधिमंडल से बात की, ना ही हमारे मुद्दों का निस्तारण किया। हम यहाँ पर 71 दिनों से बैठे हुए हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमारे SC और OBC भाइयों का जो आरक्षण में कोटा खाया गया है उसको पूरा नहीं किया जाएगा, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये योगी की जो सरकार है, ढोंगी बहरों की सरकार है, इनको मैं बता देना चाहता हूँ, 70,000 जो भर्ती में घोटाला किए हैं उनको, पिछड़ों और दलित वर्ग को उनको बराबर का आरक्षण दिया जाए। और हम ये भी कहना चाहते हैं OBC समाज के जो योगी सरकार में मंत्री बने बैठे हुए हैं, वोट हमारा ले जाकर उसके बाद में हमारे विपक्षियों को साथ में बैठे हुए हैं, इतना बड़ा घोटाला होने के बावजूद भी हमारे लोगों के हित में इन्होंने एक ट्वीट भी नहीं किया। ये इनको बता देना चाहता हूं कि अब पिछड़ा समाज जाग गया है साथियों, और अगर ऐसा रहा तो 2022 के चुनाव में तुम्हारी औकात याद दिलाने का काम करेंगे हम लोग।
जी आज 70 दिन से हमारा ये संघर्ष चल रहा है। पहले ये SCRT में हम लोग धरना दे रहे थे, जहाँ पे मतलब बाद में हम लोगों ने को प्रशासन द्वारा अंदर जाने ही नहीं दिया गया। हम लोगों को वहाँ से मारपीट के भगाया गया, हम लोगों को तब भी प्रताड़ित किया गया पुलिस प्रशासन द्वारा। हमेशा इन लोगों के पास कुछ चीज़ें हैं जो फिक्स हैं, ये अभद्रता करेंगे, इन्हें ये नहीं पता है कि कम से कम महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे करना है। जातिगत गालियां देंगे और मारपीट, इनका लाठी मारना, ये सब चीज़ें लखनऊ में एकदम आम हो चुकी हैं। जब आप अपने हक की बात करेंगे, जब कभी भी, तो यहाँ पे प्रशासन द्वारा, BJP सरकार द्वारा भी यही होता है कि उन्हें लाठियों से मार के इतना दबाया जाता है कि वो अपनी हक की आवाज़ उठाना ही बंद कर दें, वो यहाँ से चले जाएं। हम लोगों को जब वहाँ से हटाया गया तो हम लोग यहाँ आए। उसके बाद जब हम यहाँ शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे, बहुत दिनों तक हम लोगों ने सब जगह बात की, केसर जी से बात की, स्वतंत्र देव से बात की, सारे लगभग सारे सांसदों से बात की, अपना ज्ञापन दिया, हर जगह अपना मतलब बात रखे, याचना की कि सर हमारे साथ गलत हुआ है। हमारे पास पहले आयोग की रिपोर्ट नहीं थी, लेकिन अब हमारे पास जब रिपोर्ट आ गई, तब हम अपनी रिपोर्ट के बारे में हर जगह बताने लगे कि सर अभी आपको लग रहा था, ये आरोप हम लगा रहे हैं कि हमारे साथ आरक्षण घोटाला हुआ है, लेकिन अब ये आपकी बनाई हुई राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है आपने बनाया है, लोकेश प्रजापति BJP के हैं नेता, हाँ उन्होंने ये रिपोर्ट दी है, अब तो मान लीजिए ये घोटाला हुआ है, लेकिन अब इसको कौन सी विडंबना कहें, क्या कहें कि ये BJP सरकार अपने द्वारा बनाए गए संस्थान की, उसे जब इन्होंने मतलब संवैधानिक दर्जा भी दे दिया है, उसको संवैधानिक शक्तियां भी दे दी हैं, उसके बाद भी हम मतलब उस रिपोर्ट को जब हम लेकर कहीं जाते हैं, तब भी कोई नेता हम लोगों से मिलना नहीं चाहता। कई बार केशव जी के हम लोग मिलने की कोशिश किए, जैसे ही आपने नाम लिया कि आप कहाँ से हो, हमने बताया कि हमारा ये मैटर है, हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, हमें घुसने नहीं दिया गया। साफ साफ वहाँ जो सिक्योरिटी है उनका कहना है कि आपके लिए साफ मना किया गया है कि आप अंदर नहीं जाएंगी। मैडम 71 दिनों से धरना आपका लगातार चल रहा है, काफ़ी आप लोगों ने परेशानियां सामने आई हैं, आपका हाथ भी टूटा, लेकिन अब क्या नतीजा निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा, हम लोग गांधीवाद को मानते आ रहे हैं कि हिंसा नहीं करनी है, अहिंसा तौर से हम लोग करते रहेंगे। पहले दो दल चलते थे, गरम दल नरम दल, हम लोग अभी नरम दल के हिसाब से चल रहे हैं। गरम दल रहेगा तो गरम दल के हिसाब से चलेंगे, हम लोगों का धरना ऐसे ही जारी रहेगा, उन्हें सुनना पड़ेगा। कब तक नहीं सुनेंगे आप? आपको 2022 सर पे है, आप इस तरह से इग्नोर कब तक करते रहेंगे हम लोगों को? हम सभी बोलते थे इको गार्डन में बैठे रहो, रहने से कुछ नहीं होता है, बट नहीं, अब होगा। हम शुक्रगुजार हैं अपने ये भीम आर्मी का, अपने सर का शुक्रगुजार है कि वो हम लोग के सपोर्ट में आए, हम लोगों का हौसला बढ़ चुका है। मैं विपक्ष पार्टी से बहुत नाराज़ हूँ, अखिलेश यादव से लेके जितने भी हैं, वो उनमें से कोई भी नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि वो सब दब चुके हैं। BJP सूद लेने नहीं आया अभी, कोई भी नहीं लेने चाहता है, क्योंकि BJP अपने आप को बहुत ऊपर समझने लगे हैं अभी। उन्हें ये नहीं पता है कि वो बहुमत से जीते हैं तो कैसे जीते हैं, केवल आप सवर्णों का साथ लेके नहीं जीत सकते हैं, आपको सबका साथ चाहिए तो सबका विकास भी करना पड़ेगा। लेकिन जो आप गलतियाँ कर रहे हैं, वो गलतियाँ आपको बंद करनी होंगी। जो घोटाला हुआ है वो सबको दिख रहा है, यहाँ पे बैठे आप इतने लोगों को देख सकते हैं, ये इनके परिवार से कितने लोग जुड़े हुए हैं, आप कितनी बुरी तरीके से हार सकते हैं आपको भी आइडिया नहीं है, आपको नहीं पता आप कितनी बुरी तरीके से हार सकते हैं। केवल सवर्णों का विकास आप नहीं कर सकते हैं, आपको सबका साथ लेना पड़ेगा। अपनी गलती मानिए, सुधारिए उसको। हम लोग बस यही चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोगों को हमारा हक दे दें। 2.5 साल हो चुके हैं, अगर 2.5 साल अगर आप और लगाएंगे तो आप नहीं दिखेंगे। क्या आपको लगता है इस BJP सरकार में दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव हुआ है? बहुत भेदभाव हुआ है, बल्कि मैं ये कहूँगी BJP की पार्टी के अंदर जो लोग हैं, अगर वो OBC के हैं या SC के हैं, उन्होंने BJP ज्वाइन कर ली है, मगर उनकी नहीं सुनने वाला है कोई भी,
उनकी कोई सुनना ही नहीं चाहता है। वो उस पार्टी में, मैं खुद जानती हूँ बहुत से ऐसे विधायक हैं, अगर मैं चाहूँ उनका सपोर्ट लेना तो उनका यही है कि हम लोग ओबीसी के हैं, हम लोग कोई बीजेपी वाले नहीं चलने दे रहे हैं, हमारी बात को इग्नोर कर दिया जाता है। आप खुद समझ सकते हैं अंदर क्या ही चल रहा है। बीजेपी अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ा दल साबित करने में लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे जो पिछड़ा और दलित समाज है वो ये कह रहा है कि जिस बल पे आप जीते हैं उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, उनकी भी मांगे और उनका भी आपको हालचाल जानना पड़ेगा, उनकी मांगों को भी पूरा करना पड़ेगा। मैं आकिम राजखान, जन संदेश टाइम्स।